हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर अंसारी फर्निशिंग में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखे कपड़े, बेडशीट, तकिया, पिलो के गद्दे सहित भारी मात्रा में कपड़े का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। गनीमत रही कि समय से दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आसपास की कई दुकानें जलकर खाक हो जाती। आग से करीब 40 लाख रुपए से अधिक कपड़े का सामान जलकर राख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू के चलते दुकान पिछले कई दिनों से बंद है। दुकान से धुआं उठा देख लोगों ने दुकान स्वामी को सूचित किया। दुकान स्वामी के पहुंचने से पहले ही दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।